Namaste everyone, I'm Dr. Nikita Shere. I'm an Ayurvedic doctor and a well-being practitioner. So as a well-being practitioner, आप तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें नेचर के नज़दीक रहना चाहिए. आयुर्वेद में जो है हम एक ओवरऑल एस्पेक्ट देखते हैं जब भी हम ट्रीट करते हैं. एंड ये भी कहा गया है कि जब भी हम नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें वहाँ से एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा, यानी कि वी कैन क्रिएट एनर्जी. एंड एज वी ऑल नो दैट वी आर मेड अप ऑफ ऑल द फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, सो इजंट इट इम्पॉर्टेंट दैट हम इस सारे नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करें. तो पैंडेमिक में आप तो जानते हैं कि हम कितना ज्यादा घर पे हैं, तो थोड़ा सा तो ब्रेक पड़ता है सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं. So, काफी सिंप्लीफाइड है, पैकिंग ज्यादा चीजें नहीं है. So, मैं क्विकली पैक करने वाली हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू गो ओवरनाइट टू पुणे, स्टे देयर. नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वी स्टार्ट द ट्रेक. हाय. सो अब हम जो है पुणे की तरफ चल रहे हैं और मेरे दोस्त यहाँ आ गए हैं. सो माई वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम आयुर्वेदिक मेडिकल डेज इज विद अस एंड आई एम गोइंग टू बी हैविंग ही इज गोना इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड. हाय हाय प्रियदर्शन. सो दिस इज नीरज. Hello. She's my school friend. Okay. Yeah. Amazing. She's Nikita. So, हमने एक quick stop ले लिया है petrol fuel station पे, और जो है मेरे दोस्तों ने कुछ खाया नहीं है, तो प्रियदर्शन ने कुछ खाया नहीं है, तो पहले हम कुछ खाने के लिए देखने वाले हैं और फिर हम जाने वाले हैं पुणे, जहाँ मेरी दूसरी सहेली जो है डॉक्टर भैरवी, उसके यहाँ हम रुकेंगे और फिर सुबह के लिए निकलेंगे. तो आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. या टाइम म्हणजे आता असं निघायचं रात्री, वरती जायचं, सनराइज सगळ्याचा बघून परत रिटर्न टायगर पॉइंट. टायगर पॉइंटला गेलीस? नाही, मी कधी टायगर पॉइंटला गेलीच नाही. टायगर पॉइंट काय, एवढं काय फॅसिलिटी? बहुत ज्यादा फॉग रहता है ऍक्च्युली. कसं आहे ना, या एरियामध्ये तुला असं काही नाही मिळत आणि एवढ्या जवळ आहे परत ते टाकलं वाटत. हिल स्टेशन आहे ना ते. राईट. सो वी हैव रीच्ड पुणे. हम पुणे पहुंच चुके हैं और मेरी सहेली यहाँ डॉक्टर भैरवी और मेरे बाकी दोस्त भी हैं यहाँ. हाय निकिता. सो माय गॉड, इन्होंने इतना सुंदर सा पूरा. हाय अल्पेश. काफी ठंडी भी है और अब हम जो है कल की डेस्टिनेशन. तो कल कहाँ जा रहे हैं हम? ये इस चिट्स में से डिसाइड होगा. हे भगवान. सो लेट्स प्ले. ओके ओके. कौन उठा रहा है? अच्छा प्रियदर्शन. वन ओनली वन. अरे बट एवरीबॉडी इज गेटिंग अ चांस. यस. तो हर जगह जाएंगे क्या? मेजॉरिटी विंस. ओह माय गॉड. ओके ओके चलो. ओह शिट. ओके सॉरी. No. Hey, I took two. Okay, so. Cheating. Cheat lena re. Cheating nahi karna hai. Let's open our chips. Come on, Nikita. Pants gadi. Okay. Oh my god. Bye.
कितनी लोग तीन सो यातारा सतारा मुझे सुप्रभात, सुबह हो चुकी है और अब हम उठ गए हैं एक नई सुबह के साथ पुणे से। और अब हम एक्चुअली डिसाइड कर रहे हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो ये पैंडमिक के लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस के वजह से हमने थोड़ा सा हमारा लोकेशन जो है चेंज कर दिया है, लेकिन हम जा ज़रूर रहे हैं। सुबह की शुरुआत कॉफ़ी के साथ हो चुकी है और अब हम हमारे डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बट फिलहाल आई एम लविंग द व्यूज हियर। This beautiful garden, which is made by my friend. It's so beautiful. You must see this, especially. ये जो है, वो cow dung से पूरा समेट लिया गया है इस पूरी दीवार को। और सारी greenery, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये आयुर्वेदाचार्य का घर है। Good morning. Good morning. So, कहाँ जा रहे हैं हम? पक्का अजिंक्य धारा। देखो आई वॉन्ट टू डू ट्रैकिंग। तो मुझे एक्चुअली ये जो है रिवर राफ्टिंग करने जाना था कोलार, और अब ऐसा हो गया है कि प्रियदर्शन वन वीक अगो हाँ सिर्फ एक या दो टू वीक्स अगो ही जाके आ चुका है। तो इसीलिए नहीं, नंबर ही नहीं मिल रहा है। क्या मुझे नंबर नहीं मिल रहा है उनका कॉल करने के लिए? कुछ भी कुछ भी। हे भगवान, रियल रीजन इज दैट आई डोंट वांट टू। हां देखो एडमिट किया इन्होंने। रस्ता माहिती का म्हणून तर त्याच्या मागे था। आता एकदा हायवे पकडला की काय सरळच रस्ता आहे। अरे वाह, सी नो प्लास्टिक। क्या है ये इतना प्लास्टिक तुम लोग यूज कर रहे हो? जो पानी आया था वो गाड़ी के साथ चला गया है। ए भगवान, बड़ा पाव आ गया है। वर्षा ऋतु में नहीं खाते ये सब, बट एक्सेप्शंस, मतलब खा के पचाओ। अभी हम खा रहे हैं, इसके बाद हम पचाने वाले हैं। सब तुझे कुकी भजी है ना? बोल भजी। अब हमारी पेट पूजा हो चुकी है और अब हम निकल पड़े हैं कास के लिए। तो कैसा था, कैसा लगा? कैसा लग रहा है? एक्साइटिंग एंड लेट्स सी। बारिश नहीं हो रही बस। आई नो है ना, बारिश होनी चाहिए थी। चलो देखते हैं अब, लेट्स होप। या
बारिश में भुट्टा खाने का तो मजा ही कुछ और है। रोक ही नहीं सकती मैं, लाइक आई गॉट सो टेम्प्टेड। होप योर भुट्टा क्रेविंग्स आर सैटिस्फाइड नाउ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और अब हम जा रहे हैं लेक की तरफ। वाटरफॉल भी है ना वहाँ पे? वाटरफॉल दूसरी साइड पे। ओके। और वहाँ भैरवी क्या खोल रही है देखो, वहाँ देखो। पुणे स्पेशल, दैट इज कॉल्ड चितळेस बाकरवडी। पुणे पुणेकरच झाली आहे ना तो तू? पुण्यातलं ही क्लायमेट आणि एक बाकरवडी हे सोडलं। इन रोम व्हॉट डू व्हॉट रोमन्स डू असं झालंय। आणि प्रियदर्शन कांट वेट टू ईट इट। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ से जो है वाटरफॉल जाने वाले थे, लेकिन हमारी हालत इतनी ज़्यादा ठंडी और ये मौसम और यू नो वी जस्ट गॉट वेट, सो वी डिडंट वांट टू टेक अ चांस बिकॉज इट्स 45 मिनट्स वॉक वन वे फ्रॉम हियर। सो वी इंस्टेड आर गोइंग टू गो बैक, बट वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। तो मौसम तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। आज हमने जो है कास प्लेटू देख लिया, वहाँ के लेक पे हम गए थे, और अभी हम जाने वाले हैं कुछ स्नैक्स खाने क्योंकि हमें काफ़ी ठंड लग रही है, और इस मौसम में जो चीज़ें खाने का मन करता है वही हम खाने वाले हैं। हम रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ये बहुत फेमस है मानस करके, तो बस अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। काफ़ी लेट लंच हो रहा है, लेकिन ये जगह बहुत मशहूर है, तो देखते हैं कैसा है। तो ये रेस्टोरेंट एक्चुअली प्रियदर्शन और भैरवी का रेकमेंडेशन है, बस ये लोग जा चुके हैं। व्हाट इज द स्पेशल? As you know, I've turned vegetarian recently, so let's see and let's hope ki kuch vegetarian food bhi mil jaye. Vegetarian acha hai. Kya hai? Kya? Sol kadhi. Okay, so sol kadhi aa gayi hai. Oh my god. कोकणातली स्पेशालिटी आहे हे सोलकढी। सो हे नारळाच्या दुधापासून बनवलं जातं, आणि त्यामध्ये कोकम जे कोकणातलं एक मेन। थोडं हिंदी मध्ये पण सांग, हिंदीच विचारलेलं ना। दोन्ही दोन्ही लँग्वेजेस दोन्ही बताओ। बेसिकली हे कोकम आणि कोकोनट मिल्क मिक्सचर आहे। Digest the heavy food. Yes, huh. It will digest the heavy food. Seafood especially, yeah. Exactly. आणि आयुर्वेदामध्ये आपण बोलतो पित्त शामक, गुड फॉर ऍसिडिटी, अँटासिड, सो द डे हैज एक्चुअली कम टू एन एंड, और हम जो है अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज का दिन काफी अच्छा रहा, अनप्रेडिक्टेबल था। घर जाने तक हमें थोड़ी चिंता है क्योंकि काफ़ी ज़ोर से बारिश पड़ रही है, लेकिन ऑल इन ऑल आज का दिन बहुत ही मज़ेदार था, रिफ्रेशिंग था। हम सारे फ्रेंड्स मिले तो काफ़ी अच्छा लगा।
को ही बहुत प्रोटोकॉल्स जरूरी है अभी के टाइम पे, लेकिन अबव एवरीथिंग टेकिंग स्मॉल नेचर ब्रेक्स विद ऑल प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड डू लीव अस अ कमेंट बिलो.